तोतों को अट्रैक्ट करने के लिए लास्ट टाइम आपने एक चीज़ डिस्क्लोज की थी और वो ये थी कि छलियाँ। लेकिन हमने सुना है कि अमरूद भी शौक से खाते हैं, बेर भी शौक से खाते हैं, मूंगफली भी शौक से खाते हैं। आपने क्या ये ट्राई की हैं? और अगर ट्राई की तो उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? सारी चीजें मैंने ट्राई की हैं, क्योंकि छलियाँ हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। ठीक, मैंने देखा कि अगर छलियाँ मौजूद है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी वही है। और अगर छली ना डालें? जी, छलियों की और सूरजमुखी की मौजूदगी में बाकी बिल्कुल नहीं देखते होंगे। अच्छा, देखते भी नहीं? देखते भी नहीं। मैंने देखा कि मैंने सारी चीजें रख के देखी है, तो जब तक छलियाँ हैं, बल्कि वो झपट रहे होते हैं एक दूसरे पे कि मैं पहले खाऊंगा। देखा ये है कि वो आते मेरे घर में ही है। कुछ लोगों ने आके इतराज भी किया है कि ये उनका भाई घर हुआ ना जी। जो आपने बर्ड फिल्टर लगाया, उसके साथ पानी का भी बंदोबस्त है? आज ही पानी का भी मैं बंदोबस्त किया होता है। तो आप इसकी क्या साइंस समझें? और अगर आप किसी को समझाना चाहें कि भाई अगर आपके घर में बर्ड्स नहीं आते हैं तो ये साइंस है इसके पीछे। देखिए जी, तीन चीजें हैं उसमें। सबसे पहले एक तो फूड हो जिसपे वो खाने के लिए आए। ठीक है, केज में कैद करके देखना है तो वो तो कैद है ना। अब मुकैद परिंदा, परिंदा तो ना हुआ जी। परिंदों का इंसानों के साथ ताल्लुक क्या है? देखिए जी, आप मेरे चेहरे से ही देख रहे थे मुझे कितनी खुशी होती है जब मैं उनके लिए बयान करता हूं। यस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज फिर हैं जनाब हम परिंदों के, और हमारे दोस्त इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ सर, वेलकम टू दी शो। शुक्रिया। आज हम आपसे, जो पिछला हमारा पॉडकास्ट था जिसमें हमने तोतों की, बर्ड्स की बातें की कि आप अपने घर में कैसे लाते हैं, उसी के ऊपर फर्दर हम और आपसे एक्सपीरियंस पूछेंगे कि अब कैसा फील हो रहा है आपको भी और परिंदों को भी। तो सबसे पहले ये बताइए कि तोतों को अट्रैक्ट करने के लिए लास्ट टाइम आपने एक चीज़ डिस्क्लोज की थी और वो ये थी कि छलियाँ। लेकिन हमने सुना है कि अमरूद भी शौक से खाते हैं, बेर भी शौक से खाते हैं, मूँगफली भी शौक से खाते हैं, और बाकी और फ्रूट्स भी खाते हैं जिस तरह गाजर वगैरह हैं, ये सब्जियाँ भी खाते हैं। तो आपने क्या ये ट्राई की हैं? और अगर ट्राई की तो उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीजें मैंने ट्राई की हैं, क्योंकि छलियाँ हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। ठीक, जैसे आजकल नहीं है, पूरा साल नहीं होती, पूरा साल नहीं है। मजे की बात है कि अभी मैं आया हूँ इधर लाहौर में आया हूँ, तो यहाँ से पूरी डिग्गी भरी हुई है मैंने छलियों से, वो छलियाँ अवेलेबल नहीं है मेरे इलाके में। अच्छा, तो मैंने चूंकि एक्सपेरिमेंट किया है कि उनको कोई और चीज भी वो पसंद कर ले, कि अगर छलियाँ अवेलेबल नहीं जिन दिनों में, लेकिन मैंने देखा कि अगर छलियाँ मौजूद हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी वही है। और अगर छली ना डालें? जी, छली नहीं है जैसे आजकल उधर अवेलेबल नहीं है, फिर वो सूरजमुखी के बीज को खाते हैं। ठीक है, और अगर सूरजमुखी का बीज भी नहीं, फिर वो बेर, मिर्च, अमरूद जो भी मिले बिस्मिल्ला कर लेते हैं, सारे फ्रूट। फ्रूट, लेकिन छलियों की और सूरजमुखी की मौजूदगी में बाकी बिल्कुल नहीं देखते होंगे। अच्छा, देखते भी नहीं? देखते भी नहीं। मैंने देखा कि मैंने सारी चीजें रख के देखी है, तो जब तक छलियाँ हैं, बल्कि वो झपट रहे होते हैं एक दूसरे पे कि मैं पहले खाऊंगा, और अगर नहीं है तो फिर जो कहते हैं ना, जो मिले बिस्मिल्ला। परिंदों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है या कमी हुई है? परिंदों की तादाद दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और जब से पिछला वीलॉग आपका ऑन एयर गया है, मैंने देखा है उनकी मौज लग गई है। अच्छा, इसलिए कि जिन जिन ने भी वो देखा है, इर्द गिर्द के लोगों ने भी वो चीजें रख ली है घरों में। जबरदस्त जबरदस्त, उनके लिए तो बहुत ही वो फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है इर्द गिर्द मेरे जो माली है वो बताते हैं जी फलां घर ने भी छलियां लगाई हुई हैं, फलां घर ने भी छलियां लगाई हुई हैं। मैंने चलो उनकी तो फिर हर तरफ दावत है, लेकिन देखा ये है कि आते मेरे घर में ही है। कुछ लोगों ने आके इतराज भी किया है कि ये उनका भाई घर हुआ ना जी। तो कहता जी आपने इनको क्या सुधाया हुआ है कि ये हमारे घर क्यों नहीं आ रहे, हमने तो ये चीजें सारी रखी हुई है। मैंने कहा जी अल्लाह का करम ही कह ले इसे कि वो मेरे घर में आते हैं, एक घर छोड़ के मेरे एक दोस्त का घर है तो उसने सारी चीजें रखी है, तो बाद में आ गया यूसुफ साहब मेरे घर क्यों नहीं तोते आते। मैं कहा मेरे घर से कुछ जाते ही नहीं। तो वैसे सिमिलर जो ना फीडबैक ये मुझे भी मिली है और शहरों से भी। अच्छा। इस्लामाबाद में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी हम तरस गए थे तोतों को, तो हमने कहा कि ट्राई तो करें, तो यूसुफ साहब को देख के हमने भी ट्राई की, और एक दिन एक तोता आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फाख्ताएं आती हैं और उन्होंने शुरू किया हुआ है। एक मेरे दोस्त फैसलाबाद में रहते हैं, उन्होंने भी ये बड़ा सक्सेसफुली जो है ना, उनके घर में अब मेरा ख्याल है 100+ हो गए। वेरी गुड, और चल पड़ा है। तो आपकी वजह से देखें परिंदों का कितना रिजक जो जी, है जी, वो जी। रिजक भी बड़ा, लोग भी इससे प्लेयर हासिल कर रहे हैं, महजूज हो रहे हैं, बच्चे बैठ के बड़ा इंजॉय करते हैं। कि मेरे एक दोस्त हैं, उनकी वालदा
वो कहते हैं जी, हम जब परिंदों के आने का टाइम होता है ना, स्पेशली जो नाश्ता करने आते हैं, तो वालदा जो है ना वो चेयर पे बैठ जाती हैं, हम उनको थोड़ा पीछे करके चेयर डाल देते हैं, तो कहते हैं जो प्लेयर उनके चेहरे पे आती है ना, वो देख देख के खुश हो रहती हैं, दुआएं देती रहती हैं, और वो कहती हैं पुत्र ए भी छलियां ले आओ, ए भी पाओ, ए भी पाओ, कहते हैं हमने बादाम तक उनको ट्राई किए हैं, चखते हैं वो, खाते हैं वो, जबरदस्त। ये आपने क्या कार्य खैर जो है ना हम लोगों में डाल दिया, कमाल कर दिया। सर मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह हमारे यहाँ चार मौसम है, सर्दी, गर्मी, बहार, खिजां, किस मौसम में ज्यादा आते हैं? देखा यह गया है कि उन मौसमों में ज्यादा आते हैं जब बाहर कोई चीज नहीं अवेलेबल, जैसे आजकल अमरूद अवेलेबल था तो कम हो गए थे आने, ठीक, क्योंकि उनको बाहर अमरूद मिल जाते थे, इसी तरह की और चीजें तो वो उधर ही खा लेते थे, अच्छा, तो कम हो गए थे। अब अमरूद खत्म हो रहे हैं तो फिर वो सारे डाइवर्ट हो रहे हैं इधर, लेकिन मेरे घर वो चक्कर जरूर लगाते हैं, चाहे सुबह को लगाए चाहे शाम को लगाए, देखने आते हैं, चेक जरूर करते हैं कि इधर भी जाना है, मेन्यू देख के जाते हैं वो, जी जी मेन्यू देख, क्योंकि उधर तो हर वक्त पड़ा होता है ना, मेरे पास सारी चीजें पड़ी होती है, मैं तो रात को सोने से पहले उनकी चीजें रख के सोता हूँ, अगर मैं लेट भी उठ गया, अगर नमाज पे नहीं उठ सका तो उन्होंने नमाज के बाद आ जाना है। सर जी ये बताएं कि अभी इस पूरे आपके सिस्टम को डे वन से लेके कितना अर्सा गुजर चुका है? ये 2 साल हो गए हैं तोतों को आते हुए, वैसे बाकी परिंदे तो पहले भी आते थे बहुत, लेकिन तोते जो रेगुलरली आना शुरू हुए इसको 2 साल हो गए हैं। कोई ऐसा तोता स्पेशली जो आप ये समझते हैं कि पिछले 2 साल से मुसलसल आ रहा है और आप उसको पहचानते हो? जी एक से ज्यादा है ये। अच्छा, एक जिसको वो रात तोता भी कहते हैं, कोई पहाड़ी तोता भी कहते हैं, कोई बोलने वाला भी तोता कहते हैं, वो लगता है किसी के घर से भागा हुआ है, क्योंकि वो आके सीटियां भी मारता है, लॉन्ग टेल जो है, लॉन्ग टेल वाला, तो वो हम पहचानते हैं कि ये है, क्योंकि उसका साइज ही बहुत बड़ा है दूसरों से। वो आपके कुछ वीडियोस में मैं देखता रहता हूँ, वो वाकई ऐसा लगता है कि किसी का पालतू है तोता। जी, वो मैंने इसका नाम दिया किंग ऑफ पैरट्स। अच्छा, शान ही अलग है। कई दफा केला आता है, जब दूसरे खा के जाते हैं तो वो केला आके खाता है, डोमिनेट करता होगा, डोमिनेट करता है, और जब दूसरे बैठे हुए और वो आया तो वो दूसरों को कोशिश करता है कि मेरे करीब कोई ना आए, कि मेरी सल्तनत है जैसे। अच्छा, आपके मैं चैनल को देख रहा था, उसमें ना आपने एक सिलसिला शुरू किया है कि दोस्तों को नाश्ते पे बुलाते हैं, और जब तोते और बर्ड्स भी नाश्ता साथ करते हैं तो आप लोग सारे उसको एंजॉय करते हैं, क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है यार। जी बहुत ही, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने जब आपका वीलॉग देखा ना, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि ये मेरे घर में इतने आते हैं, ठीक, जब उन्होंने वीलॉग देखा तो उन्होंने कहा जी फिर हमें भी मौका दे के हम भी उनको देखना चाहते हैं। मैंने कहा सिर्फ देखे नहीं, आप उनके साथ बैठे, बैठ के खाए, देखे कितने मानूस हैं वो, तो बल्कि एक दोस्त ने तो कहा जी आप इस पर टिकट लगा दे, आप जो संडे का जो ब्रेकफास्ट है ना, अगर आप इस पर टिकट भी लगा देंगे तो हम लोग शौक से आएंगे। असल में जो आपको टिकट के इवज में आपको खैर मिलती है, दुआएं मिलती है ना, ये बहुत बड़ा टिकट है। अच्छा, वो अंजीर वाला आपने सिलसिला शुरू किया हुआ था, तो इस मौसम में आपने कितनी कटिंग्स जो है ना लोगों को दी हैं फ्री में? मैंने कोई 40 बंदों को बाय पोस्ट भेजी हैं, ठीक है, क्योंकि ये मौसम है कटिंग का, ठीक है, अपने खर्चे पे भेजी है, मुझे भी भेजी, मुझे भी भेजी और चल भी रही है बेहतरीन, किसी से 1 रुपया भी नहीं लगाया, क्योंकि जब आपको वीलॉग निशर हुआ है तो उसके हवाले से भी बहुत सारे फिर दोस्तों ने कहा क्या हमें मिल सकती है, मैं कहा जी क्यों नहीं मिल सकती, फिर उन्होंने पूछा था अच्छा जी पैसे कितने हो गए, मैं कहा जी कोई नहीं, सिर्फ आपने इसको लगाना है और मुझे दुआ देनी है, और जब ये चल पड़े तो मुझे एक तस्वीर भेजनी है कि ये है। बिल्कुल, तो लाहौर से ही एक स्कूल वालों ने मुझसे फिर रब्ता किया, अच्छा सर जी हम स्कूल में अपने हमारे पास इतनी जगह है तो अगर हमें आप ज्यादा भेज दें, तो मैंने कहा जी जितनी कहे मैं आपको भेज देता, मैंने कोई काफी सारी उनको 30-40 भेजी है, ठीक, और उन्होंने एक शुक्रिया का लेटर भी मुझे वहां अच्छा एप्रिसिएशन का लेटर भी भेजा कि आपने हमें भेजी है, और फिर जिन लोगों को भेजी है अभी उनके आने शुरू हो गया पैगाम के सर ये चल पड़ी है, इन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। तो बाकी जो मेरे वहाँ मौजूद है इर्द गिर्द के लोग, वो तो वैसे गमले समेत लेके जाते हैं, और वो लेके जाते हैं जो पौधा चला हुआ है, उनको आसान होता है, उनको आसान है। मैंने कहा जी आप किसी वक्त भी आए, तो बहुत सारे लोगों ने फिर वीला के बारे में कहा जी हमें पौधा मिल सकता है, मैं कहा जी ये फैसिलिटी मेरे पास नहीं है, मैं पौधा भेज सकूं गमले में, लेकिन कटिंग में भेज सकता हूँ जिस लेकिन अच्छा मौसम है
इवन जली हुई कटिंग जी 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 रूट्स बेयर रूटेड के भी आप भेज दें उसको लपेट के किसी कपड़े में वो भी चल जाती है। माशाल्लाह मुझे फीडबैक आना शुरू हो गई है जी, ये इनको आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में और कुछ बता दे तो खुशी की बात है मेरे लिए। अच्छा, जो आपने बर्ड फीडर लगाया उसके साथ पानी का भी बंदोबस्त है? हाँ जी, पानी का भी मैं बंदोबस्त किया होता है। तो किस तरह का पानी पीते हैं? मिनरल वाटर तो नहीं शौक से पसंद करते हैं? पानी देखे जी वो बेजुबान है, उनके लिए जो भी रख दे पी लेते, लेकिन साफ शफाफ बर्तन में कोशिश होती है कि साफ सुथरा पानी हो उनके लिए। फिल्टर वाला जो आप खुद पीते हैं? फिल्टर वाला जो हम खुद पीते हैं, कि बर्तन भी साफ हो, भी नफासत पसंद है कि साफ बर्तन और साफ पानी हो। दाना चूंकि मैं खुद भी काम करता हूँ और एक दो बंदों की ड्यूटी भी होती है कि अगर मैं नहीं मौजूद तो आपने वही फैसिलिटी उनको देनी है मेरी गैर मौजूदगी में। जबरदस्त। पिछले साल की शदीद गर्मियों को अगर जहन में रखें तो आपने कोई उनके लिए नहाने का बंदोबस्त भी किया हुआ था, और अभी क्या प्लान है? अभी स्विमिंग पूल, अभी मुझे मेरे भाई ने भी कहा कि भाईजान इनके लिए फुहारा भी लगाएं ताकि वो नहाएं भी और फुहारा लगा होगा तो ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो अभी वापस जाके इस प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह काम करना है। पहले तो वैसे ही रखा होता था पानी, लेकिन अब इंशाल्लाह उनके लिए जरूर वो वीडियो शेयर कीजिएगा, करते जानी है वो वीडियो शेयर कीजिएगा। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब भी आप लाहौर तशरीफ लाएंगे तो हम उस वीडियो को इंक्लूड करेंगे। नहाते हुए बर्ड्स बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत मजा। एक बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए कि जब वी लाख पिछला नशर हुआ तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया, स्पेशली कि हमने भी आपकी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए आपको फोन किया। बड़ी खुशी हुई मुझे। जबरदस्त। तो वैसे तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे तो लिखना तो बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन लोगों ने स्पेशली फोन लेके फोन भी किया कि जी आपने ये जो अच्छा काम किया हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात, लोगों ने बड़ा इसको ना रेप्लिकेट किया है, कॉपी किया है और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली जो बुजुर्ग खवातीन है ना, हमारी माएं जी, जो उनके घरों में उनके बच्चों ने अरेंज किया है ना, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उन्होंने पहले दे हैव बीन कनेक्टेड टू द नेचर, गांव से किसी का ताल्लुक है या बचपन में, थोड़ा पीछे जाए 20-25-30 साल तो ये बड़ा नॉर्मल होता था कि घरों में परिंदे आना और ये वो। अब चूंकि हमने सीमेंट के जंगल खड़े कर दिए तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है, और वैसे भी हमने पकड़ पकड़ के खत्म कर दी, नस्लें खत्म कर दी हैं कुछ परिंदों की, देखा गया है। आपके घर में वो एक पैरट आता है जिसकी पूरा हेड जो है वो रेड है या हाँ जी प्लम हेडेड उसे कहते हैं, आलू बुखारे जैसा उसका सारा जी 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 बिल्कुल, साइज उसका छोटा है। हाँ साइज छोटा है बिल्कुल, बल्कि कुछ दोस्तों ने थे मुझे लिखा भी जी ये फीमेल है, उनको इतनी पहचान है कि वो देख के बता देते हैं कि ये फीमेल है, और फिर ये भी कहते हैं जी इतने दिन से वो पैरट नहीं आया कि लोगों को देखे इतना, यानी ये तयस्सत है या इतना शौक है, इतने गौर से देखते हैं कि वे भी कहते हैं जी फलां पैरट इतने दिन से नजर नहीं आया और वो इतनी ये पहचान है लोगों को। वो कहीं गया तो नहीं हुआ बांडे शांडे? हाँ पता नहीं क्या था, कभी कभी ना गायब हो जाते हैं कहीं इधर उधर, तो वो लोग फील करते हैं जी वो क्यों नहीं आया, अपने रिश्तेदारों के घर छुट्टियां गुजारने गया होगा, या जिस वक्त मैं या फिर उसको यानी पिक्चराइज कर रहा होता वक्ती दौर पे उस वक्त नहीं होता, क्योंकि वो तो फिर काफी देर चक्कर लगाते हैं, तो मैं तो जितना मुझे टाइम मिलता है तो उस वक्त अगर नहीं तो लोग फील करते हैं कि वो आज नहीं था परिंदा। अच्छा, ये बर्ड्स को घर में अट्रैक्ट करना और आजाद परिंदों को एंजॉय करना, आप चूंकि 2 साल से इससे कनेक्टेड हैं तो मुझे लगता है ये भी एक साइंस है, आप इसकी क्या साइंस समझें, और अगर आप किसी को समझाना चाहें कि भाई अगर आपके घर में बर्ड्स नहीं आते हैं तो ये साइंस है इसके पीछे। जी देखिए जी, 3 चीजें हैं उसमें। सबसे पहले तो फूड हो जिसपे वो खाने के लिए आए, ठीक है। दूसरा उनको सेफ्टी हो, जब उनको पता होगा कि यहाँ हमें कोई कुछ नहीं कहता, सिक्योर फील करें, सिक्योर फील करें। जैसे मैं बहुत करीब भी चला जाता हूँ उनको तो वो नहीं उड़ते, इवन जब हम नाश्ता कर रहे होते हैं जैसे आपने नया सिलसिला शुरू किया है तो वो आके फ्रीली वो भी खा रहे हैं, हालांकि हम 4-5 बंदे बैठे होते हैं, तो उनको सिक्योरिटी का एहसास हो गया कि इधर हमें कोई कुछ नहीं कहता। और वहां पर अगर कोई ख्वाहिश भी करे कि जी हमें पकड़ के दे दें या कोई इस तरह का ट्रैप लगा दें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी सूरत में अलाउ करेंगे। ये हमारे एक कह ले कुछ लोगों का ये होता है जी इसको पकड़ ले, ये जी कहते हैं जी वो जो बड़ा तोता है जी वो जो 1 लाख रुपए का तोता है उसको पकड़ ले। मैंने कहा भाई क्यों पकड़ लूं जी इसको, पिंजरे में रख ले। मैंने कहा सारा दिन जब मेरे पास ही है, शाम को जाते हैं, बल्कि रात स्टे करने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अपना स्टे आप करते हैं। पिंजरे में डाल के भी बर्ड्स को हमने रखना ही है ना घर में,
जब वो खुद आजाद आ रहे हैं आ रही है। और आजादी भी इंजॉय करें उनकी, और उनकी वो जो फ्रीली आते हैं वो नेचुरल बिहेव करते हैं। मैंने कहा जी आप ये देखें ना, कुछ सारा दिन तो मेरे पास है और रात को सोने का बंदोबस्त अपना खुद करते हैं, वरना तो मैं उनको पिंजरों में रखूंगा, उनका बंदोबस्त करूंगा सारा कुछ, उनकी रात की भी जिम्मेदारी लूंगा, तो मेरे लिए तो ज्यादा आसान है कि वो वापस जाए और सुबह फ्रेश होकर फिर आए। लेकिन एक हमारी नेचर है कि जो भी चीज अगर ये इसको पकड़ ले, इसको पकड़ ले, इसको बेच ले, लोगों का एक बना हुआ है, कल्चर बना हुआ है। कोई नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे शायद बातों को देख के लोग इंस्पायर हों कि उनके लिए अरेंजमेंट कर देना खाने पीने का, वो अपने रिजक के चक्कर में आएंगे, आप भी इंजॉय करेंगे। जो आपने उनको परिंदे में उसमें केज में कैद करके देखना है तो वो तो कैद है ना, अब मुकैद परिंदा परिंदा तो ना हुआ जी, क्योंकि परिंदा तो वो है जो अपने पर को यूज करे, उड़े वो। दो चीजें तो मैंने बता दी कि खाना हो उनके लिए सेफ्टी हो, तीसरा अगर आप उनके लिए माहौल दे वो तो है ना। अगर आपने कोई दरख्त वगैरह लगाए हैं तो वो उसको एंजॉय करते हैं, बल्कि मैंने देखा है कि एक टाइम में दो दो सौ चिड़िया बैठी होती है मैंने देखा, और कोई आता है ना तो वो फौरन उठती है मेरे पास जो दरख्त है उनके अंदर छुप जाती है एक लम्हे के लिए, सेफ हो गई है, जो ही कोई परे हटता है वापस आ जाती है, तो उनके लिए एक शेल्टर भी है। अगर वो माहौल ना हो, माहौल दरख्त ना हो तो शायद वो थ्रेटन्ड फील करें और सिक्योर फील ना करें, फील ना करें और आए भी ना, और उनको उड़ के दूर जाना पड़े, तो मैं ये देख रहा था कि अगर ये तीन चीजें आप उनके लिए कर दें, सबसे पहले तो खुराक उनकी पसंदीदा जो भी समझे, जो भी परिंदा आप चाहते हैं कि मेरे घर में आए, क्योंकि अगर बाकी परिंदे हैं तो वो मैंने देखा बाजरा शौक से खा लेते हैं, अगर बाजरा रखा आपने तो वो बड़े शौक से खा लेते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि तोते भी आए तो उनके लिए फिर ये दो 24 घंटों में से एग्जैक्टली मिनिमम कितना टाइम देते हैं और मैक्सिमम किसी दिन कितना देते हैं? मैं मेरे पास ये है जी, मैं ड्यूटी करके जब आता हूँ ना तो फिर गोल्फ खेलता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर जो भी टाइम दे मैं उनको कोशिश करता हूँ देने के, शाम को जो बचा है उनके लिए सुबह का बंदोबस्त करता हूँ, सुबह ड्यूटी जाने से पहले उनकी सारी चीजें चेक करता हूँ, क्या बात, इन्होंने सारा दिन यही खानी है, तो उनके लिए पानी भी हो, उनके लिए खुराक भी हो। क्या सोचते होंगे वो कि यार ये मोहम्मद यूसुफ जो है ना हमारा दोस्त है, हमारा होस्ट भी है, दोस्त भी है और हमारे रिजक का बायस बनता है, कितनी खूबसूरत, आपको कुछ स्पेशल फीलिंग आती है? जी जाहिर है, फील करता हूँ कि अल्लाह ताला का मेरे पे ये करम है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी हमारे घर नहीं आते ये चीजें, हमारे घर नहीं आते, अब हमने ये सारी भी रख लिया, आपने कहा था छलियां लगाए, हमने छलियां भी लगा ली है, ये फिर कुदरत का फैसला है कोई मेरे घर। सर जी अगर इस प्लेटफॉर्म से हम ये ऑफर करें स्पेशली स्कूलों को जहाँ पर बच्चे हैं, क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश है कि बच्चे नेचर के साथ जुड़ें, उनके अंदर हम्बलनेस आती है, उनकी पर्सनैलिटी में बड़ी पॉजिटिव चेंज आती है, तो कुछ स्कूलों वाले अगर आपसे रब्ता करें कि जी हमें गाइड भी करें और हमें वो बेसिक चीज़ें बताएं फूड के बारे में, उनके अरेंजमेंट के बारे में, कि जी किस तरह से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं बर्ड्स को, कितना अच्छा लगे कि किसी गवर्नमेंट के या प्राइवेट स्कूल में कॉर्नर में एक जगह पे बर्ड्स आ रहे हैं, वो खा रहे हैं और बच्चे जो है ना वो फ्री टाइम में देख रहे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं, तो आप ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं? जी यकीनन मैं इसके लिए हाजिर हूँ, अगर कोई कहे तो मैं उसके लिए जाने को तैयार हूँ, अपने कास पे आऊंगा भी जबरदस्त जब वो मुझे कॉल करेंगे और उनको ये सारी चीजें बता, बल्कि उनको लगाने के लिए मैं तो कलमे भी दे सकता हूँ कि भाई अंजीर ही लगा ले, मेरे पास तो अंजीर वाफर है, अगर पौधे लग गए तो खुद बहुत आने शुरू हो जाते हैं परिंदे। बिल्कुल ऐसे ही है, तो आप अपना टाइम भी देंगे और आप उनको, तो कोई ऐसे दोस्त जिनके अपने प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो कोई ओहदा रखते हैं किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और वो इनकी सर्विसेज लेना चाहें या आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे, मैं इनकी इजाज़त से इनका जो मोबाइल नंबर है वो मैं शायद स्क्रीन पे सर डाल दूं। जी जी डाल दूं। मैं स्क्रीन पे भी डाल रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में तो पहले भी पिछली हमने पॉडकास्ट में भी डाला था, अभी भी डाल रहा हूं। तो इस कल्चर को प्रमोट करें, जहां मैं कहता हूं कि सब्जियां लगाएं, घर में फूल लगाएं, पौधे लगाएं, वहां इस नेचर को भी अट्रैक्ट करें, और हमें अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ दी फ्रेंड ऑफ बर्ड्स हमारे साथ हैं। आप इनसे रब्ता करना चाहें तो मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं, इनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, ये आपको पूरा गाइड करेंगे। सर बर्ड्स को लेके मुझे आप वो फीलिंग बताइए, आई अंडरस्टैंड कि फीलिंग्स को वर्ड्स में बयान बहुत मुश्किल होता है, आप क्या समझते हैं कि परिंदों का इंसानों के साथ क्या क्या है, ताल्लुक क्या है? देखिए जी आप मेरे चेहरे से ही देख रहे थे मुझे कितनी खुशी होती है जब मैं उनके लिए बयान करता हूं। यस
इसी तरह जब मैं बैठ के साथ उनके साथ खाता हूँ पीता हूँ, ना सिर्फ मैं पूरी फैमिली मेरी इंजॉय कर रही होती है, एक पॉजिटिव चेंज है, यानी कि हमारे जगह में परेशानी नहीं है कोई, हमें इंजॉय कर रहे होते हैं सारे, इसको खुशी फील कर रहे होते हैं हर वक्त। तो इससे बढ़ के और क्या है जो इस दौर में जहाँ हर बंदा स्ट्रेस है, कोई ना कोई उसको परेशानी है, वो तो ऐसी चीजें तलाश कर रहा होता है कि उसकी स्ट्रेस खत्म हो। तो एक हर वक्त आपके घर में एक चीज है कि आप जाए बैठे भूल जाए किसी परेशानी। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा एंटी डिप्रेसेंट है? जी यकीनन, मैं तो यही समझता हूँ कि इसको देख के जो बच्चा है बड़ा है बूढ़ा है जो खुश हो रहा था ना, उस वक्त वो भूल जाता है अपनी सारी परेशानियों को। बहुत सारे दोस्तों ने आप मुझे उधर कहा होता है कि सर हमें भी बुलाएं, ये जो नाश्ता हम करते हैं ना इनके साथ, तो हमें भी इनवाइट करें। मैंने कहा जी जरूर मैं आप सबको करूंगा। बहुत सारे कहते हैं जी हमने देखने आना है इनको, हमने बच्चों को लेके आना है, तो वो उस वक्त भी जाए फील कर रहे होते हैं कि हमने जाना है। सर तो जी ये बताइए देखने को उसके घर वाकई। ग्रेट, मुझे ये बताइए कभी ऐसा हुआ है कि हमारी भाभी से आपकी, हम सबकी होती रहती है, कोई हुई हो बातचीत और थोड़ा टेंशन बन गई और आपने कहा जा फिर मैं चले अपने तोते को? नहीं, मजे की बात है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे इतने अच्छे तलकात है कि कभी टेंशन वाली बात नहीं हुई। उन्हें पता है ये तोतों के पास चले जाएंगे इसलिए वो नहीं आपसे लड़ती है ना। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी मसला ही नहीं है भैया। लेकिन उसका सलूशन ये बात अच्छा सलूशन मेरे पास है। वो खुद भी चूंकि बैठती है दोपहर के वक्त जाय करती है इस चीज को और ड्यूटी भी अदा करती है, अगर मैं नहीं देख सका तो उन्होंने देखना होता है कि इनके लिए क्या चीज की कमी है। वैसे तो मैंने बोरियों के हिसाब से बीज भी मंगाए होते हैं सूरजमुखी के, और अगर छलियां भी है तो भी मैंने बोरियों के हिसाब रखे हुए कभी खत्म ना हो, लेकिन उनको डालना दौराना पे तो वो भी है। सर हमने पिछला पॉडकास्ट किया था ना, तो कुछ दोस्तों ने हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स किए थे कि ये जो हम घर में परिंदों को अट्रैक्ट करते हैं और या उनको प्रोवाइड करते हैं खाना, तो ये उन वो जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके ऊपर आपने कुछ थोड़ा बहुत सोचा है? वैसे मैंने सोचा तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो है इसमें इकोसिस्टम कोई नहीं तबाह हो रहा, उनका अपना होगा ख्याल इकोसिस्टम। कबूतरों के बारे में मैंने देखा है कि वो कह रहे कबूतरों को ना डाले, कबूतरों का रोल था, उन्होंने एक मैंने वीडियो भी देखी थी कि एक रोल है कि आप बहुत सारे लोगों ने कबूतरों को जो किया हुआ, लेकिन मेरी रिसर्च इस पे कोई नहीं है कि उसका कोई। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। सिर्फ एक आदमी ने ये देखा और उसी को बहुत सारे लोगों ने डिनाई किया हुआ था कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, उसी जो है कमेंट्स था मैंने देखा, दूसरे जो जानने वाले लोग थे वो कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं है। ये तो लॉजिकल बात है कि जब आप परिंदों को ला के केज कर देंगे, उनको कैद कर देंगे, ये इकोसिस्टम को खराब करने वाली बात तो है, लेकिन आप उनको दाना दें वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, मर्जी से जा रहे हैं मर्जी से खा रहे हैं। अगर वो ऐसा समझते हैं कि ये गलत है किसी के घर में खाना, हमें बाहर से खाना चाहिए, तो नेचुरली वो बाहर से जाके खेतों से खाते। ऐसा तो नहीं है कि खेतों से दाना सारा खत्म करके आपने अपने घर में रख दिया, ऐसे ही है। बल्कि दूसरों का भी तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि वरना तो उन्होंने दूसरों के फल वगैरह खा जाने होते हैं। लोग ये भी इतराज कर सकते हैं कि मेरे फल खा गए हैं जी, मेरे अमरूद खा गए हैं, तो एक बंदा उनको दे रहा है कि वो ये चीज खा ले, दूसरों की चीज ना खाए। बिल्कुल, अभी आप कुछ दो चार ये क्लिप्स देखिए और इंजॉय कीजिए, और उसके बाद में आखिरी खूबसूरत सा मैसेज इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ से आपके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। सर हमारे नाज़रीन के लिए कोई बर्ड्स को लेके ये जो आपने जो प्लेयर आप फील करते हैं इस हवाले से कि घर में लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपना डिप्रेशन दूर कर सकते हैं, कोई खूबसूरत सा मैसेज दीजिए हमें। देखिए जी ये सारी एक्टिविटी ऐसी है जिससे डिप्रेशन हुआ आप शुरू कर दें, उनके लिए मैंने कहा पहले भी कहा था कि आप अगर खुराक नहीं रख सकते, हर बंदा अगर नहीं अफोर्ड कर सकता, पानी तो रख सकते हैं, ये मौसम जैसे आ रहा है इतना गर्मी का मौसम, तो उनके लिए पानी रख दे, पानी पीने के लिए बहुत परिंदे आ जाएंगे। और किसी को खिलाना पिलाना तो फिर आपको पता है ये सदका जारी है, अल्लाह ताला इसके आपको सिला भी देता है। बिल्कुल ऐसे ही, तो इससे बढ़ के क्या है कि सदका जारी है आपके लिए हो जाएगा, कोई चीज आपके बगैर से कोई चीज खा रहा है परिंदा खा रहा है वो आपको उसका अजर मिलेगा। तो अगर तो खुराक रख दे तो वो तो सोने पे सहागा है, और आप देखें कि आपको कितनी खुशी होगी, जिसके घर में पहला भी परिंदा आता है ना तोता, जिसके घर में देखे आया, जिस दोस्तों ने आपको बताया उन्होंने बड़ी खुशी से बताया, बहुत एक्साइटमेंट से बताया, उनकी एक्साइटमेंट का आपने अंदाजा लगाया होगा कितने खुश हुए होंगे। बहुत शुक्रिया सर,
आपके वक्त का, और यहाँ आके लाहौर में स्पेशली मुझे वक्त देने के लिए। यकीनन आपकी खूबसूरत बातों से और ये जो हमने वीडियोस दिखाई साथ साथ, इससे बहुत लोग महजूज हुए होंगे और वीडियो देखते देखते इतना इंजॉय कर रहे हैं, तो जब अपने घर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और रेप्लिकेट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यकीनन, बहुत नाजरीन, शुक्रिया। ये जो काम है ना कि आप इंसानों में बांटें, और उसके बाद अगली फेज़ ये है कि आप परिंदों में भी बांटें, ऐसे परिंदे जिनको हम बेजबान कहते हैं उनको भी बांटें, इसके लिए एक बहुत खूबसूरत दिल चाहिए। और इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ का बहुत खूबसूरत दिल है, कोशिश कीजिए कि आप भी इस खूबसूरत दिल के मालिक बने। यकीनन आप हैं, इस प्रैक्टिस को अपने घर में कोशिश करें, बर्ड्स को लाएं, अपने बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए दाना रखें, पानी रखें, नहाने के लिए बंदोबस्त करें, और दरख्त लगाएं, घर में सब्जियां लगाएं, सारी नेचर है, नेचर के साथ जुड़ जाएं, इसमें बड़ा सुकून है। अपना ख्याल रखिए, हैप्पी गार्डनिंग।